हेलो एवरीवन, इट्स मी ज़ेरक। आज मैं रामा मेडोज़ आया हुआ हूँ। इस वक्त एक हॉर्स राइडिंग करते हुए इस वो हॉर्स के ऊपर बैठा हूँ और मैं रामा लेक के पास जा रहा हूँ। ऊपर ट्रैकिंग करके है वो। मैंने ड्रोन शॉट्स लेने थे ऊपर जाके और थोड़ी सी वीडियो भी बनानी थी। सो मैंने कहा ट्रैकिंग पे एनर्जी क्यों वेस्ट करें, बट मुझे ट्रैकिंग करने का शौक़ भी नहीं इतना। तो उफ, ये हॉर्स के ऊपर बैठ के गिम्बल पकड़ के वीडियो बनाना, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। ये मेरे साथ लियाकत अली भाई हैं। लियाकत अली, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे साथ हॉर्स राइडिंग करवा के मुझे लेके जा रहे हैं। ये यहाँ के रहायशी हैं, रामा मेडोज में रहते हैं। और इन्होंने रामा मेडोज के बारे में बताया कि ये डोगरा राजा का पहले राज था, फिर यहाँ के बल्तिस्तान के अपने लोगों ने इसको आज़ाद करवाया उनसे। और हिंदुओं में राम वर्ड यूज़ किया जाता है जिसका मतलब होता है अजीम, वहाँ से ये रामा मेडोज का नाम बनाए। रामा लेक से आगे ट्रैक पर जाते हुए एक छोटी सी लेक आई है रास्ते में, इसको कवा लेक कहते हैं। ये स्लिप तो नहीं हो जाएगा इधर? यार ग्लेशियर है इधर, पूरा बर्फ वाला। यार ये स्लिप हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। हो गया। जानी क्या करना है? बैठना है। मुझे उतरने दो, मुझे उतरने दो। हेलो फॉर राइड मैन। हेलो सामा, कैसे हो? मैं वैसे ही कर रहा सर। रामा मेडोज आते हुए पहले एक कवा लेक आती है, उसके बाद फिर राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी ना रामा लेक के ही दो शाखें आती हैं। और अभी मैंने शाखें देखी हैं, मैंने पूरी मेन रामा लेक नहीं देखी, एंड आई थिंक वो आगे आने वाली है। लेट्स सी। हम लोग रामा लेक के करीब आ गए हैं, मेरे पीछे फातिमा आ रही है और हम दोनों बस पहुँचने वाले हैं। दूर से मुझे रामा लेक नज़र आ गई, इतनी प्यारी है ना लिटरली। मैं आप लोगों से अभी इसका शॉट शेयर करता हूँ। इतनी सरीन एटमॉस्फेयर है इधर, बिल्कुल स्मूथ पिन ड्रॉप टाइप साइलेंस, सिर्फ आपको एटमॉस्फेयर की आवाज़ आती है हल्की हल्की। Stumble, raving circus, won't you crumble?